दोस्तों, आज हम अपने एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का इंजन ऑयल सर्विस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में आगे देखिए। सबसे पहले हमें एक बाल्टी लेना है कि जिसमें हमारा जो पुराना ऑयल है वो आ जाए, और इस तरह उसका जो ड्रेन प्लग है यानी कि नट बोल्ट, उसको घुमाना है, लूज़ कर लेना है। उसमें से अब ऑयल निकले का आप देख सकते हो। इस तरह आपको पूरा जो ऑयल है वो निकाल लेना है। उसके बाद उसका जो फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर, उसको भी आपको चेंज करना है। इस तरह अब आपको थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक इसकी जो बूंद बूंद ऑयल है पुराने ऑयल की वो निकल जाए, तब तक इसको छोड़ देना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो ड्रेन होना बंद हो गया है। तो अब जो ड्रेन प्लग होता है उसमें हमने थोड़ा सा एनाबोन यूज़ किया है ताकि कोई लीकेज की समस्या ना आए। तो हमें इसको फुल पहले टाइट कर देना है अच्छी तरह से। ये पूरी तरह से टाइट हो गया है। अब एक ट्रिक आपको बताता हूँ। किसी भी ट्रैक्टर में आपका जो ऑयल फिल्टर है वो ऐसे लगता हो जैसे कि हॉरिजॉन्टल, और ऐसे भी लगता है। इस तरह दो सिस्टम आता है, एक ऐसे और एक इस तरह उभा। तो जो ऐसे फिल्टर लगता है उसमें हमें क्या करना है कि जो ऑयल है हमारा इंजन ऑयल वो इसमें अभी फिल कर देना है, इसको भर देना है, ताकि डायरेक्ट इंजन चालू हो तो हमारा ऑयल इसमें जमा हो तो डायरेक्ट इंजन में पहुंच जाए। तो हम पहले इसमें ऑयल भर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पूरा ऑयल इसमें डाल दिया है, यानी कि ये पूरे पूरा ऑयल से फिल हो गया है। अब हम इसको इसमें लगा देंगे इस तरह। यह प्रक्रिया किस में करनी है? जिसमें इस तरह ऑयल फिल्टर लगता है उसमें ही, क्योंकि इसमें ही ये सक्सेस जाता है। जो ऐसे क्रॉस लगता है इस तरह तो उसमें नहीं ये चलेगा। अब इसको हाथों से टाइट करना है, ना कि कुछ ज़्यादा, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है। क्योंकि इसके जो इसमें नट होता है यानी कि इसका जो चूड़ी होता है वो लूज़ हो जाएगा ज़्यादा कसने से। देखते हैं, ये पूरी तरह हाथों से कस दिया है। अब हमें ऊपर से ऑयल फिल करना है, यानी कि ये फिल्टर लगा दिया, पहले हमें ड्रेन प्लग पूरी अच्छी तरह से टाइट करना है, उसके बाद ही हमें ऑयल डालना है। हमने इसका जो ऑयल डालने का ढक्कन होता है वो खोल लिया है, और इसमें यहाँ से ऑयल डलेगा। करीब 5.5 लीटर से 6 लीटर तक इसमें ऑयल डलेगा। तो अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अब ऑयल डालना शुरू कर दिया है। बड़ी आसानी से ऑयल चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती हमको। अब हमको लगे कि इसमें 5 से 5.5 लीटर ऑयल चला गया है, तो एक बार हमें रुक जाना है इस तरह, और हमें थोड़ा रुक के उसका प्लग चेक करना है कि कितना हुआ ऑयल, लेवल चेक करना है। अभी हमने लेवल चेक किया तो यहाँ तक दिखा रहा है। अभी हमें आधा लीटर या
उससे थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे और इससे नीचे, यानी कि ये मैक्सिमम का है और ये मिनिमम का है, यानी कि इसके बीच में हमें ऑयल का लेवल रखना है। और यदि आपने फिल्टर में ऑयल ड्रेन नहीं किया है, यानी कि फिल्टर हमने पहले ऑयल डाला था ऐसे नहीं डाला है, तो आपको थोड़ा उससे ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा, क्योंकि फिल्टर में थोड़ा ऑयल जमा रहेगा, फिर हमको उतना लेवल चाहिएगा। अब देख सकते हैं हमारा लेवल यहाँ तक कंप्लीट आ गया है, और अब हमने इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, इतना ही रखेंगे, फिर हम 2-3 दिन के बाद चेक करेंगे कि कितना ऑयल लेवल हुआ है। हमने पूरी तरह से इसको बंद कर दिया है, यहाँ से हमने ऑयल डाला था उसको। अब देख सकते हैं यह हमारा ऑयल लेवल का गेज है, वो यहाँ तक है, आप करीब मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल नया ऑयल आपको दिख रहा है उसमें। और इस साइड हमने फिल्टर और ड्रेन प्लग वो भी कंप्लीट है। जब हम इंजन का ऑयल चेंज करते हैं और पहली बार स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा जो RPM है वो आइडल पे ही रहना चाहिए, जैसे कि हमें ज़्यादा RPM नहीं देना है। ये तो हम कभी भी ट्रैक्टर स्टार्ट करें तो हमारा जो RPM है वो तो डायरेक्ट हाई नहीं करना है, हमें लो RPM पर ही चलाना है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह, कि ये जो हमारा हैंड लीवर होता है उसको भी हमने सबसे ऊपर चढ़ा दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तभी ऑयल है, जो ऑयल वो हमारे इंजन में पूरा पहुंचा नहीं होता है, इसलिए देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक ऑयल लेवल नहीं चढ़ा है, हाँ अभी चढ़ा है, देखिए कंप्लीट ऑयल अब हमारे इंजन में घूमना स्टार्ट हो गया है। अब इस तरह थोड़ी देर के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए इस तरह ही चालू छोड़ दे, उसके बाद ही हम उसको रनिंग में लाना है, ताकि हमारा सभी पार्ट में ऑयल पहुंच जाए। वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।